न्यूटन टीचिंग टेक्निक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू जो के एओएमआर सीट से जुड़े हुए हैं को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड में थ्योरी पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 80 में से जो एमसीक्यू आते हैं वो 48 दिए रहते हैं और 40 उसमें से चॉइस करने होते हैं और 40 ही आपको जवाब देना है। तो आज हम जे सीरीज ए से जे तक होते हैं तो सभी में क्वेश्चन एक ही जैसे होते, ऊपर नीचे किए हुए रहते, जो कि 2020 में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लैंडस्लाइड इज नेचुरल डिजास्टर, मैन इंडस डिजास्टर, नॉर्मल डिजास्टर, नन ऑफ दीज। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जवाब जो आ रहे हैं, भूस्खलन जो है न इंसान कर सकते हैं न आम चीज़ है, ये प्राकृतिक आपदा है। सो आंसर इज गोइंग टू बी नेचुरल डिजास्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर टू की ओर। द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओशियन बॉटम इज महासागर तल के कंपन का परिणाम है अवलांच, हिमस्खलन, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर या समुद्र की बात जो भी आए तो हम लोग उससे जुड़े हुए चीज़ में सुनामी को देख सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है द सिस्मिक वेव रीचिंग द अर्थ सरफेस फर्स्ट इज। ऑप्शन ए पी वेव, बी एस वेव, सी एल वेव, डी टी वेव। पी वेव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। सुनामी का संबंध है तो सुनामी इज रिलेटेड टू लैंड स्थल से, बी समुद्र से, सी आसमान स्काई से, इनमें से कोई नहीं। फिर सुनामी ही से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सी समुद्र से। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कांटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी इज चंपारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द रेलवे वर्कशॉप सिचुएटेड। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जमालपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर है रेलवे वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ सुनामी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए अर्थक्वेक इन सी, समुद्र में भूकंप। ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप यानी अर्थक्वेक इन प्लेन एरिया। ऑप्शन सी अर्थक्वेक ऑन माउंटेन, पर्वत पर भूकंप। डी नन ऑफ दीज। फिर ये आंसर जो है चूंकि सुनामी से रिलेटेड है तो अर्थक्वेक इन सी। व्हाट इज ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मैन मेड डिजास्टर मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी नॉर्मल डिजास्टर सामान्य आपदा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ड्रॉट जो है, सुखार जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इज। नंबर ए डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, बी इंटेंसिव
कल्टीवेशन, गहन खेती, ऑप्शन सी ओवर ग्रेजिंग, अति पशुचरण, ऑप्शन डी ओवर इरिगेशन। तो ये आंसर होने जा रहा अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी ओवर इरिगेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। इंसान के शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 65% टू 75% के अंदर ही होती है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज फाउंड ओनली इन इंडिया, ऑप्शन ए क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी टॉर्टोइज। रिवर डॉल्फिन इज द राइट आंसर। रिवर डॉल्फिन गंगा रिवर में उत्तरी भाग में पाई जाती है और यही बाकी जगहों में जो पाई जाती है वो समुद्र है, लेकिन यहाँ रिवर में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इज बी इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द मेन रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है लाइम स्टोन, चूना पत्थर, बॉक्साइट, बी सी ग्रेनाइट, डी आयरन और लोह आयस्क। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चूना पत्थर, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। आफ्टर द सेकेंड ग्रेट वॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप इमर्ज टू रिमूव द इल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, ए सार्क, बी नेटो, सी ओपेक, डी यूरोपियन यूनियन। तो इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन से प्योरली जुड़े हुए वो डी ही में है, बाकी सब में दूसरे देश सब शामिल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते। हु सेड प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी प्रोफेट मोहम्मद, डी जेसस क्राइस्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मार्टिन लूथर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ वोटर इन इंडिया, हिंदुस्तान में वोटर होने के लिए कितनी उम्र की जरूरत है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोट देने के लिए 18 साल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट है, फेडरल एंड प्रेसिडेंशियल, संघीय और अध्यक्षीय, बी फेडरल एंड पार्लियामेंट्री, संघीय और संसदीय, सी यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल, एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी एकात्मक और संघीय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान में फेडरल और पार्लियामेंट्री मतलब संसद बैठते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, और फेडरल ये है कि हुकूमत सेंटर से चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कोयला सबसे ज़्यादा उत्पाद जो है वो झारखंड करता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री इज, भारत का प्रथम लोह इस्पात उत्पादक उद्योग है, ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, ऑप्शन बी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ऑप्शन सी बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन डी विशेषवरिया आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिस्को जो है हिंदुस्तान की सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू, स्वनिर्माण चतुर्भुज संबंधित है, ये
ऑप्शन ए रेलवे से, ऑप्शन बी सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी जल मार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो ये सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बिहार से भी होकर के गुजरता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गंडक प्रोजेक्ट इज इन, गंडक परियोजना है ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी छपरा। इसका सीधा आंसर है वाल्मीकि नगर, ये यूपी नेपाल और बिहार के बीचों बीच में वाल्मीकि नगर जो है वहाँ पर यह बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच पर्पज इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए टेली कम्युनिकेशन दूर संचार के लिए, ऑप्शन बी मेटेरियोलॉजी मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन सी दूरदर्शन के लिए मानी टेलीविजन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये संसाधनों की खोज के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव सिटी टू अर्थक्वेक, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका आंसर है देहरादून, क्योंकि हिमालय से नज़दीक है, और इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। बैकवर्ड स्टेट इसमें से बिहार ही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस पार्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल ईयर, मतलब खाता बही जो करते, खाता जो जोड़ते भारत में, वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। ये ऑप्शन ए 1 जनवरी to 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जुलाई to 31 जून 30th जून, ऑप्शन सी 1 अप्रैल to 31 मार्च, ऑप्शन डी 1 सितंबर to 31 अगस्त। हम लोग जो खाता बही करते मतलब हिसाब जो जोड़ा जाता है या टैक्स फाइल किया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थे क्वेश्चन 2020 में आए हुए 48 में से 24 क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो 24 जुड़े हुए उसको डिस्कस करेंगे। आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।